डियर नेचर, ये एक अपॉलोजी लेटर है। मैं जानता हूं मैंने ये लिखने में उतनी देरी कर दी है जितना आपको बचाने में। मैंने सुना है एक चिड़िया जब घर लौटी तो कटे हुए डालियों के बीच अपने घोंसले को बिखरा हुआ पाके रो बैठी। ये उसका तीसरा घर था ना। वैसे हमें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आखिर वो इंसान नहीं है ना। कहते कोई जुर्म करते वक्त अगर अपनी छवि देख लो तो गिल्ट के मारे वो कर नहीं पाओगे। नदी आप साफ रही नहीं तो उसमें खुद की छवि दिखती भी नहीं, इसलिए हमने खुद को अपराधी मानना भी छोड़ दिया। ये बीज बोई मिट्टी पे कंक्रीट के रास्ते बना के ना जाने हम कहां जा रहे, शायद अपने अंत की ओर, जिसे जिसे हम प्रगति की शुरुआत समझ बैठे। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने आवाज बहुत उठाई। फिर जवाब में ये हल सुनाया गया कि जितने पेड़ कट रहे उतने ही पौधे लगाए भी जाएंगे। ये सुन के ज्यादातर लोग मान गए, वो समझे ही नहीं कि इन पौधों को पेड़ बनने में जितना वक्त लगेगा शायद उतना ही वक्त बाकी है हमारे पास। दरअसल हमें कुछ और जमीन चाहिए अपने घरों के लिए, जिसमें बहुत सारे लकड़ों के दरवाजे जो हमें अपनों की जिंदगी से अलग कर चुके। हमें कुछ और जमीन चाहिए मंदिर और मस्जिदों के लिए जो बनते खून से सींची हुई मिट्टी पर, ना जाने कौन सा भगवान या खुदा वहां पे खुश होने वाला है। हमें कुछ और जमीन चाहिए औरतों के लिए सुरक्षित गलियां बनाने के लिए, क्योंकि इंसाफ मांगने से आसान तो सड़कें बनाना है। हमें कुछ और जमीन चाहिए अपने कब्रिस्तान के लिए, जिसकी वजह से हम तुम्हें शमशान की तरह जलाए जा रहे। हमें बस कुछ और जमीन ही चाहिए।